दुनिया के ऊपर आज नरूटो शिपन के दो एपिसोड्स को दिखाया गया, एपिसोड नंबर 13 और 14 को। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग को इटाची उषा की आवाज भी देखने के लिए मिली और माइट गाय का तूफान भाई जो लड़ाई की है उसने। एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को इटाची उषा को दिखाया जाता है, उसके सामने हम लोगों को नरूटो सकुरा काकाशी सेंसेई और लेडी चियो को दिखाया जाता है। और गाइस जब काकाशी सेंसेई नरूटो सकुरा और लेडी चियो जब इटाची को देखते है तो उनकी पूरी फटके हाथ में आ जाती है। क्या बताऊं यार, लिटरली गाइस जब सकुरा पहली बार इटाची को देखती है तो वो काकाशी से पूछती है कि काकाशी सेंसेई ये है कौन, कौन हो तुम? मतलब भाई ये सकुरा इतनी बड़ी बड़ी चीजें फेंक रही थी कि मैं काका मैं इटाची को मार दूंगी, मेरे कंधों पे बोझ आ चुका है, मैं कुछ भी कर दूंगी, और अब बोल रही कि ये है कौन, ये इटाची उचा है मेरी बहन, और अगर इसके सामने अगर तू कुछ भी हुआ करेगी तो तेरा खेल खत्म कर देगा सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। और उसके बाद हमारा काकाशी सब लोगों को सावधान करता है कि भाई सब लोग अपने आंखों को बंद कर लो, अपने निद्राओं को बंद कर लो, वरना तुम लोग गेंजुसु के अंदर फंस जाओगे, सभी लोगों को बोलता है। और वो इटाची को बोलता है, मैं मानता हूँ उस दिन मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, और अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ इटाची। कि मैं पहले कितने नहीं रहा भैया, मैं तुझे सिर्फ अभी के अभी हरा सकता हूँ, काकाशी ऐसा बोलता है। और भाई सिर्फ 2-3 सेकंड ही नहीं होता है कि हमारा जो इटाची है वो काकाशी को बेहोश कर देता है, सभी लोगों को अपने गेंजुसु के अंदर डाल देता है, और सिर्फ नरूटो को छोड़ के नरूटो को वो अपने खुद के अंदर के गेंजुसु के अंदर डाल देता है, और वो नरूटो के साथ बात करने की कोशिश करता है। नरूटो भी लाइक कि भाई मुझे क्यों फंसा रखा है गेंजुसु के अंदर, सब लोग बेहोश क्यों हुए यहाँ। और वो ये भी कहता है कि काकाशी सेंसेई तुमने कहा था कि आंखों को बंद करो, मैंने तो आंखों को भी बंद कर रखा था, ये कैसे फंस गया। तो तभी इटाची कहता है, मेरा ये गेंजुत्सु सिर्फ मेरी आंखों के भरोसे नहीं चलता है, इसे एक्टिवेट करने के लिए मेरी एक उंगली काफी है। उसकी मतलब एटीट्यूड लेवल देख रहे हो इटाची की, भाई कैसे पंच लाइन मारा उसने। और लिटरली गाइस जब मैंने इटाची की आवाज सुनी तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया, भाई इटाची की आवाज इतनी अच्छी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। और नरूटो उसके बाद अपने रसिंगन का इस्तेमाल करता है, और वो सोचता है कि भाई साहब आसपास इटाची ने बहुत सारे शैडो क्लोन्स को बना दिए होंगे, बोल के वो सभी शैडो क्लोन्स को मारने की कोशिश करता है। बट इटाची भी लाइक, ये शैडो क्लोन नहीं है भैया, ये है मेरे गेंजुत्सु की पावर। और इसके अंदर भाई साहब जो बैंड बजा रहा था वो नरूटो की, और जो मजे ले रहा था इटाची, क्या बताऊं। दूसरी तरफ माइट गाय को जाता है, और माइट गाय की टीम के सामने आ चुका है किसाम है। देखो भाई साहब किसाम है जो है ना, भाई माइट गाय को एक ही चीज कहता रहता है भाई साहब कि भाई मैं तुझे याद हूं ना भाई माइट गाय, याद हूं तुझे मैं, याद हूं मैं। भाई माइट गाय कहता है कि कहीं तुम वही तो नहीं, लगता है तुम्हें याद आ ही गया कि मैं कौन हूं, हम इससे पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? हाँ तुझे कहीं तो देखा है मैंने, तो दूध वाला तो नहीं है भाई। मैड गाय इतने मजे ले रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैड गाय को याद ही नहीं कि कौन है किसामे। भाई साहब 3 साल से बाद किसामे को देख रहा है, और किसामे बार बार बोल रहा है कि मैं याद हूँ क्या, याद हूँ। अरे भाई तू कहीं का भाई, तूने ताजमहल बनाया था क्या, तुझे याद रखेगा वो? और भाई बार बार बोल रहा है याद हूँ क्या, याद हूँ क्या, याद हूँ क्या। और भाई साहब बार बार हमारे जो है ना मैड गाय बोल रहा है कि भाई तू है कौन, कहाँ तो देखा है। और उसके बाद हम लोगों को मैड गाय और किसामे की एक बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए मिलती है। हाँ गाइस, लड़ाई शुरू होने से पहले हमारा किसान में एक बहुत बड़ी चाल चलता है, यानी कि माइट गाय टीम यानी कि नेजी, टेंटेन और ली को अपने वाटर स्टाइल जुत्सु की मदद से वाटर प्रिज्म के अंदर डाल लेता है। और लिटरली बाद में हम लोगों को हमारे माइट गाय और किसामे की लड़ाई देखने के लिए मिलती है, खासकर किसामे की जो तलवार थी समय हाटा। हाँ गाइस, वो तलवार जो है ना, वो तलवार या स्वाड आप लोग कुछ भी कहो भाई, मतलब किसामे छपरी है, और छपरी के पास खतरनाक तलवार कहां से आई मुझे पता भी नहीं आज तक। और लिटरली गाइस उस तलवार के अंदर जो है ना भाई एक ऐसी पावर है कि वो किसी के भी चक्रा को सोख सकती है, यानी कि चक्रा को खा लेती है। और लिटरली गाइस जब जब हमारा मतलब मैड गाय लड़ रहा था तो भाई साहब वो अपने चक्रा को खो रहा था जब वो मारने के लिए जा रहा था उस तलवार को, और बाद में जो ना भाई साहब पूरी पावर लगा देता है किसामे और पूरी तरीके से अटैक कर देता है मैड गाय के ऊपर। और उसके बाद मैड गाय और किसामे की बहुत ज्यादा अच्छी फाइट देखने के लिए मिलती है, और बार बार किसामे एक ही चीज पूछ रहा है कि भाई अभी तो याद आया तुझे मैं, तो भाई नहीं, मतलब हमारा मैड गाय बोलता है कि हम कहीं तो मिले हैं ना। और फिर से हम लोगों की लड़ाई देखने के लिए मिलती है। मुझे ये बताओ यार कि किसामे को क्या चाहिए यार भाई, उसे मतलब मैट गाय याद रखिए या ना रखिए। और लिटरली गाइस बाद में एक बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए मिलती है, और किसामे हमारे मैट गाय को पानी के अंदर डाल देता है। और गाइस हमारा जो मैट गाय है बाद में पानी के अंदर जाने के बाद उसकी जो पावर देखने के मिलती है, लाइक किसामे भी लाइक ये पावर कहां से आ रही है इसके अंदर, भाई वो आ रही है उसके अंदर के शरीर से, लाइक अपने टाइट जुत्सु की मदद से अपने सारे गेट्स को हमारा जो मैट गाय है वो ओपन कर देता है, मतलब सारे ने कुछ गेट्स को ओपन करता है। और उसके बाद जो पावर देखने के लिए मिलती है हमारे मैट गाय की, भाई
मतलब किसान में भी लाइक ओ मेरी मैया ये क्या कर दिया मैंने, मतलब भाई ये कौन किसके अंदर मैंने हार डाल दिया। और मैं आपको बता दूं मैड गाय जो है ना मतलब किसान में को बार बार मतलब किसान में जो है ना भाई वो है क्या छपरी। और मैड गाय जो है ना मतलब ऐसे छोटे मोटे मतलब छपरियों को याद नहीं रखता है, वो बड़े बड़े लोगों को ही याद रखता है। लाइक एपिसोड ये एंड हो जाता है और आने वाले एपिसोड के अंदर क्या होगा आपको मैं रिव्यू देखिए बता दूंगा, और कल के एपिसोड के अंदर मतलब क्या होगा वो भी अच्छे से मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से बता दीजिएगा। और मित्र कैसे जय हिंद वंदे मातरम दत्ते भाइयों।